लोगस समय इस अवसर पिणी काल में हुए 24 तीर्थंकर भगवंतों के नाम आते हैं। इसके लिए इस लोगस के पाठ को नामस्तुति के रूप में भी जाना जाता है। इसमें तीर्थंकर भगवंतों की नाम लेकर स्तुति की गई है। वो कैसे हैं, किस तरह से होते हैं और उनसे हमें क्या मिलता है, इस तरह का पूरा वर्णन लोगस्य के पाठ में आता है। इसके लिए यह नामस्तुति सबके लिए आदरणीय है। लोगस्य इसका दूसरा नाम 24 तव है। लोगस्य उज्जयगरे धम्म तीर्थ यरे जणे अरिहंते कित्ते सम 24 केवली उसभम अजयम च वंदे संभवम अभिनंदनम च सुमयम च पौमपहम सुपासम जणम च चंदपहम वंदे सुविहिम च पुष्पदंतम सियल सिजंस वासुपुजम च विमलमणम तंच जणम धम्मम संतिम च वंदामि कुंथुम अरम च मल्लिम वंदे मुनि सुवयम नमि जणम च वंदामि रिट्ठनिमिम पासम तह वद्धमाणम च एवं मय अभिथुआ विहूय रयमला पहिण जरमरणा 24 जिणवरा तिथैरा मे पश्यंतु कित्य वंदिय महिया जे ए लोगस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्य बोहिलाभम समाहिवर मुत्तमम दिन्तु चंदेसु निम्मलैरा ऐच्छेसु अह्यं पयासयरा सागरवर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं ममदि संतु। लोगस्य उज्जोयगरे लोक में उद्योत प्रकाश करने वाले धम्म तीर्थ यरे जिणे धर्म रूपी तीर्थ की स्थापना करने वाले जिनेश्वर भगवान अरिहंते कर्मरूप शत्रु का नाश करने वाले कित्त इसम मैं स्तुति करती हूँ 24 केवली केवल ज्ञानी तीर्थंकरों की उसभम अजियम च वंदे। श्री ऋषभदेव स्वामी जी को श्री अजितनाथ जी को वंदना करती हूँ संभवम अभिनंदनम च श्री संभवनाथ जी को और श्री अभिनंदन जी को सुमइम च पौमपहम श्री सुमतिनाथ जी को और श्री पद्म प्रभु जी को सुपासम जिणम च चंदपहम वंदे। श्री सुपार्श्वनाथ जी को और जिनेश्वर श्री चंद्र प्रभु जी को भी मैं वंदना करती हूँ सुविहिम च पुष्पदंतम श्री सुविधिनाथ जी को और पुष्पदंत श्री सुविधिनाथ जी को सियल सिज्जंस श्री शीतलनाथ जी को श्री श्रेयांसनाथ जी को वासुपूज्यम च श्री वासुपूज्य स्वामी जी को और विमलम अनंतम च जिणम श्री विमलनाथ जी को और श्री अनंतनाथ जी जिनेश्वर को धम्मम संतिम च वंदामि श्री धर्मनाथ जी को और श्री शांतिनाथ जी को वंदन करती हूँ कुंथुम अरम च मल्लिम श्री कुंथुनाथ जी को श्री अरहनाथ जी को और श्री मल्लिनाथ जी को वंदे मुनिसुवयम वंदना करती हूँ श्री मुनिसूरत जी को नमी जिणम च श्री नमीनाथ जी को वंदामि रिट्ठनेमिम वंदना करती हूँ श्री अरिष्टनेमि जी को पासम तह वद्धमानम च श्री पार्श्वनाथ जी को तथा श्री महावीर स्वामी जी को वंदना करती हूँ एवं मैं अभिथुवा इस प्रकार मेरे द्वारा स्तुति करते हुए विहूय रयमला
पाप रज के मल से रहित पहिण जर मरणा वृद्धावस्था तथा मृत्यु से रहित चौवी संपी जिणवरा चौबीसो जिनेश्वर देव तीर्थय रामे पश्यंतु तीर्थंकर देव मुझ पर प्रसन्न होवे। कित्तीय वचन योग से कीर्तित वंदीय महिया काया योग से वंदित मनोयोग से पूजित जे ए लोगस्स उत्तमा सिद्धा जो लोक में उत्तम सिद्ध भगवान है। आरोग्य बोहि लाभम आरोग्य को तथा बोधि लाभ को समाहिवर मुत्तमम दिन्तु और उत्तम समाधि को देवे। चंदेसु निम्मलयरा चंद्रों से भी अधिक निर्मल आयिचेसु अहियम पयासयरा सूर्य से भी अधिक प्रकाश करने वाले। सागरवर गंभीरा महासमुद्र के समान गंभीर सिद्धा सिद्धिम मम दिसंतु सिद्ध भगवान मुझको सिद्धि देवे।